ये कहता है फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस आर, एक डिस्क है उससे हमने एक सर्कुलर होल क्रिएट कर दिया। समझना, एक डिस्क है, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर है, इस पूरे डिस्क का मास एम है, रेडियस आर है, और एक मैंने होल किया, ठीक है। ए सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर हुज पासेस थ्रू द सेंटर इज कट। अब ये सेंटर हो है और यहाँ से मैंने एक होल आर डायमीटर का एक होल क्रिएट कर दिया, यहाँ से मैंने एक डिस्क निकाल दिया, ये इसका सेंटर था, डायमीटर आर का डिस्क मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क व्हाट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। चलो, तो जो डिस्क बच गया वो इसी एक्सिस पर परपेंडिकुलर टू ये, जो डिस्क बच गया होलो वाला, इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों। चलो, तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज ए टेंसर क्वांटिटी, बट इसका समेशन और वो एडिशन वो स्केलर की तरह होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब नहीं निकाला गया था, जब डिस्क ये होल नहीं हुआ था, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितनी थी, एम आर स्क्वायर बाई टू। अब जब निकाल दिया गया तो ये जो मास था वो भी कुछ तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो ये पूरा का पूरा डिस्क यहाँ पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्सिया बना रहा था, अगर मैं उसको निकाल के ओरिजिनल एम आर स्क्वायर बाई टू में से माइनस कर दूँ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया बचेगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस आई डैश। आई डैश क्या है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस पर, ठीक है। आई डैश ये हमारा आई हमारा पूछ रहा है। अब हमारा टारगेट है आई डैश निकालना। सबसे पहले हमें पता ही नहीं इसका मास कितना था, तो इसका मास मान लो स्मॉल एम है, तो मास पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर और इसकी एरिया आर स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर बाई फोर, इसका मतलब ये हुआ कि एम बाई फोर, ये जो छोटा मास निकाल दिया गया वो एम बाई फोर का आता ना। अब सबको यार मास निकालें, मास पर यूनिट एरिया डिफाइन कर लिए पूरे डिस्क के लिए, और इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड, ये इतना मास निकाल दिया गया। तो इतना मास लेके एक खुद के अपने एक्सिस पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्सिया बनाया, यहाँ पे कितना बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे खुद का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसका होगा, ठीक है, उसको मैं स्मॉल आई से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। खुद की मोमेंट ऑफ इनर्सिया स्मॉल आई यहाँ पे वो एम आर स्क्वायर एम और इसकी रेडियस आर स्क्वायर बाई टू, इसका मास कितना है एम बाई फोर है यार, इसकी वन बाई टू, इसकी रेडियस कितना है आर स्क्वायर बाई फोर, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 32। ये जो छोटू डिस्क था हम लोगों के पास, ठीक है, ये अपने खुद के एक्सिस पर एम बाई फोर मास लेके एम आर स्क्वायर बाई 32 मोमेंट ऑफ इनर्सिया बना रहा था, एम बाई फोर 32 मोमेंट ऑफ इनर्सिया बना रहा था। अब एक थ्योरम लगेगा, बहुत फेमस और बहुत प्यारा और अच्छा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो ये यहाँ से दो लाइनें पैरेलल ले लो, ठीक है, एक लाइन, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ इसका मुझे यहाँ चाहिए ना भाई, इसका मुझे यहाँ चाहिए, तो ये और ये इसका ऐसे, ठीक है। तो इस पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूँ तो मुझे आई की डैश की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आई डैश इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर होता है। तो आई सी एम इसके खुद के सेंटर ऑफ मास पे एम आर स्क्वायर बाई 32 और इसके सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर बाई 30 और इसका मास आएगा यार, इसका मास एम बाई फोर है, ठीक है, और रेड आर आर स्क्वायर बाई और यहाँ एक और का स्क्वायर है, ठीक है, ये एक और टू है, तो ये फोर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 मतलब 3 एम आर स्क्वायर, ठीक है, 3 एम आर स्क्वायर अपन 32 ये फाइनल होगा इसका, ठीक है, 8, 2, 16 और 2 ये 32 एम आर स्क्वायर ये, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं घटाऊंगा, तो यहाँ से इसको मैं घटाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इज इक्वल टू वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस साइन माइनस ये 3 एम आर स्क्वायर बाई 32, ठीक है। तो ये जब 16 दूना 32, ठीक है,
तो 16 दुना 32 और 3 मतलब 13 mr² बाई 32, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, है ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये कटिंग वाले आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, यहाँ निकाल के माइनस कर दूंगा, ठीक है। कोई ऑप्शन? हाँ, डी ऑप्शन सही है। दिस इज